आगे सबक देखिए भाई, ثم إنه أشار إلى استثناء مثل أحمر علما إذا نكر عن هذه القاعدة على قول سيبويه بقوله وخالف سيبويه الأخفش المشهور هو أبو الحسن تلميذ سيبويه ولما كان قول التلميذ أظهر مع موافقته لما ذكره من القاعدة جعله أصلا وأسند المخالفة إلى الأستاذ وإن كان غير مستحسن تنبيها على ذلك في انصراف مثل أحمر علما إذا نكر. गुज़श्ता सबक में असबाब मनासर्फ को मुकम्मल करने के बाद आगे मरफूआत की बहस शुरू करने से पहले साहिब काफिया गैर इंसिराफ की बहस से मुतालिक दो जाबते जिक्र फरमा रहे थे। गुज़श्ता सबक में हमने पहला जाबिता पढ़ा था भाई, और इन्होंने आपको बतलाया कि हर वो गैर मुनसरिफ जिसके अंदर अलमियत मुअस्सिर हो, जब उसको नकिरा बनाया जाए तो वो मुनसरिफ हो जाता है। और फिर उसमें दो सूरतें हैं भाई, या तो वो अलमियत उस सबब के लिए शर्त होगी या शर्त नहीं होगी। अगर शर्त है फिर जब अलमियत खत्म करेंगे तो अलमियत तो आपने खत्म कर दी, और अलमियत दूसरे सबब के लिए शर्त थी, तो शर्त जब खत्म तो मशरूत भी खत्म, तो अब वो इसम मुनसरिफ हुआ और उसमें एक भी सबब नहीं है गैर इंसिराफ का। अलमियत आपने खत्म की और दूसरा सबब अलमियत के खत्म होने की वजह से खत्म हो गया। और अगर अलमियत शर्त नहीं थी, वैसे जमा हो रही थी जैसे कि अदल और वजन फेल के साथ जमा होती है, तो जब आप अलमियत को खत्म करेंगे तो अदल या वजन फेल अभी भी बाकी है, तो अब वो इसम मुनसरिफ बन जाएगा, लेकिन अभी भी उसमें एक सबब गैर इंसिराफ का मौजूद है। और फिर यहां पर इबारत आई थी कि लिमा तबैयना मिन अन्नहा ला तुजामिउ मुअस्सिरतन इल्ला मा हिया शर्तुन फीही इल्ला अदल व वजन फेल। यहां इश्काल हुआ कि यहां तो दो इस्तिस्ना किए गए हैं एक ही मुस्तस्ना मिनहू से, और एक मुस्तस्ना मिनहू से एक इस्तिस्ना हो सकता है, एक से ज्यादा इस्तिस्ना नहीं हो सकते। हां, दरमियान में अगर हर्फे आतफ ले आते फिर तो चाहे दस इस्तिस्ना आप कर लें, क्योंकि वो सारे फिर मातूफ बन जाते हैं। जैसे मैंने बतलाया था कि फेल के लिए एक ही फाइल आता है, एक से ज्यादा नहीं आ सकता, लेकिन आतफ के जरिए आप चाहे दस बना लें, जानी जैदुन व अमरुन व बकरुन व खालिदुन, तो ये सारे जैद पर आतफ है तो ये मातूफ हैं, और मातूफ का वही हुक्म होता है जो मातूफुन आलय का। तो यहां पर भी अगर यूं इबारत होती ना व इल्ल अदल व वजन फेली, फिर तो कोई इश्काल नहीं था, इसका आतफ हो जाता माकबल में जो इल्ला आया था, लेकिन यहां तो हर पे आतफ नहीं, तो एक ही मुस्तस्ना मिनहू से दो इस्तिस्ना बन रहे हैं। तो जवाब मैंने बतलाया था कि ये जो दूसरा इस्तिस्ना है ये मफहूम कलाम से है, यानी वो जो बाकी बच गया था पहले इस्तिस्ना के बाद, ये उससे इस्तिस्ना है। और पहले में क्या जिक्र था, इल्ला माहिया शर्त उनफी ही, जिनके अंदर अलमियत शर्त है, तो जिनमें अलमियत शर्त नहीं वो बाकी रह गए थे, तो उनसे इस्तेसना कर लिया कि जिनमें अलमियत शर्त नहीं उनके साथ अलमियत जमा नहीं होती, इल्ल अदल व वजन फेल, मगर अदल और वजन फेल सिर्फ ये दो हैं जो बगैर शर्त के अलमियत के साथ जमा होते हैं भाई। फिर इस पर इश्काल हुआ कि आपने हमें जाब्ता क्या बतलाया कि जिन असबाब मनासर्फ के साथ आलमियत मुअस्सिर होकर जमा होती है तो जब उसमें से आलमियत को खत्म करेंगे तो वह मुनसरिफ हो जाएगा, हमें आपकी यह बात तस्लीम नहीं। हो सकता है आलमियत खत्म कर दें वो फिर भी गैर मुनसरिफ रहे, मसलन उसमें यह अदल और वजन फेल दोनों इकट्ठे हो जाएं, अलमियत भी हो गई अदल भी हो गया और वजन फेल भी। अब जब आपने अलमियत खत्म कर दी तो अदल और वजन फेल तो अभी भी बाकी हैं, दो सबब तो अभी भी बाकी हैं, तो वो लफ्ज फिर भी क्या रहेगा, गैर मुनसरिफ रहेगा। हालांकि आपने हमें क्या बताया, अलमियत खत्म करोगे तो वो क्या बन जाएगा, मुनसरिफ।
तो उसका भी जवाब दिया था कि वहुमा मुतजाद दानी, कि ये अदल और वजन फेल दोनों आपस में मुतजाद हैं, ये दोनों इकट्ठे होते ही नहीं हैं। अदल के औजान अलग हैं और वजन फेल जो मनए सर्फ के अंदर मुतबर हैं वो अलग हैं। जब दोनों वजन अलग अलग हैं तो एक वक्त में एक वजन आ सकता है, इसम के अंदर दोनों वजन इकट्ठे नहीं हो सकते। और फिर उसके बाद बड़ी तवील बहस हमने की थी, ये जो इबारत आई फला यकूनु माहा इल्ला अहदुहुमा, मैंने बतलाया था कि माहा की हाजमीर किसको राजे, आलमियत को राजे, कि आलमियत के साथ नहीं हो सकता इल्ला अहदुहुमा मगर इन दोनों में से एक, यानी दोनों इकट्ठे आलमियत के साथ नहीं आ सकते। मैंने आपको बतलाया था कि ये मुस्तस्ना मुफर्रक है, ये अहदुहुमा क्या है, मुस्तस्ना मुफर्रक। मुस्तस्ना मुफर्रक किसे कहते हैं कि कलाम गैर मूजब हो, कलाम गैर मूजब हो और मुस्तस्ना मिनहु इबारत के अंदर जिक्र ना हो। और कलाम गैर मूजब किसे कहते थे, जिसमें नफी नहीं या इस्तेफहाम हो, और यहां पर भी फला यकूनु देखो नफी है तो यह कलाम गैर मूजब हुआ। और नीज मुस्तस्ना मिन्हू मजकूर ना हो और फला यकूनु माहा इल्ला अहदुहुमा, यहां इल्ला से पहले कोई मुस्तस्ना मिन्हू मजकूर नहीं है, इसको क्या कहते हैं मुस्तस्ना, कलाम कौन सा हो गैर मूजब और मुस्तस्ना मिन्हू मजकूर ना हो। और इसमें फिर याद रखो ये जो मुस्तस्ना है ना, मुस्तस्ना इस पर एराब अला हसबिल अवामिल आता है, अवामिल के मुताबिक। तो फला यकूनु मैंने बतलाया था ये जो यकूनु है ये तामा है, इसकी तफसीर साहिब जामी ने किसके साथ की, आई ला यूजदु शैउन, और ला यूजदु के साथ काना तामा की तफसीर की जाती है, किसकी, काना तामा। मैंने बतलाया था एक काना तामा है एक काना नाकिसा, काना नाकिसा वो है जिसके लिए इसम के साथ साथ एक खबर भी चाहिए भाई, और काना तामा जो सिर्फ फाइल पर बात पूरी हो जाए वो किसी खबर का मोहताज नहीं। तो ला यूजदु के साथ काना तामा की तफसीर की जाती है, तो ला यूजदु से बतला दिया ये ला यकूनु तामा है भाई, तो अब इसके लिए फाइल चाहिए था और वो मुस्तस्ना मिनहू बनता, लेकिन मुस्तस्ना मिनहू तो महजूफ है, तो ये अहदुहुमा फला यकूनु के लिए फाइल बन गया। फला यकूनु के लिए अहदुहुमा को क्या बनाएंगे, फाइल, जब अहदुहुमा इसका फाइल मौजूद है तो फला यकूनु के अंदर कोई जमीर नहीं, तो मुस्तस्ना मिनहू महजूफ है और यह मुस्तस्ना मुफर्रक है। मुफर्रक इसको क्यों कहते हैं, मैंने वजह भी जिक्र की थी, क्योंकि इसके अंदर आमिल को फारिग किया गया है मुस्तस्ना के लिए, आमिल ने अमल किसमें करना था, मुस्तस्ना मिनहू में, लेकिन मुस्तस्ना मिनहू महजूफ है तो आमिल गोया अब उसको मुफर्रख कर दिया गया, फारिग कर दिया गया कि किसमें अमल कर सके, मुस्तस्ना में। तो ये यूं कहो ये मुफर्रगुन लहू है ऐ लिल मुस्तस्ना, इसका आमिल वो मुफर्रग लिल मुस्तस्ना है, तो वो अमल कर रहा है और अहदुहुमा उसका फाइल है। मुस्तस्ना मुफर्रक में मैंने बताया था कि मुस्तस्ना मिनहू जो होता है वो महजूफ होता है और उसको आम निकालते हैं, कैसा निकालते हैं कि उसमें उमूम होना चाहिए खुसूस नहीं होना चाहिए, वजह क्या, ताकि इस्तिस्ना सही हो सके, एक ऐसा लफ्ज निकालो जिसमें उमूम हो यानी उसमें मुस्तस्ना भी दाखिल हो और फिर इल्ला के जरिए उसको निकाल दिया जाए। मसलन मैं आपसे कहता हूं मा जा अनी इल्ला जैदुन, मा जा अनी इल्ला जैदुन, देखो मा जा के बाद कोई मुस्तस्ना मिनहू जिक्र नहीं है और आगे इल्ला के बाद जैद जिक्र है, तो मुस्तस्ना मिनहू महजूफ है और मा जा किसके अंदर अमल कर रहा है, जैदुन के अंदर, जैदुन उसके लिए फाइल है, तो ये मुस्तस्ना मुफर्रक है। देखो कलाम भी गैर मूजब है, मा जा अनी नफी भी है और मुस्तस्ना मिनहू मजकूर भी नहीं, तो इसको क्या कहते हैं, मुस्तस्ना मुफर्रक कहते हैं। तो मुस्तस्ना मिनहू इसके अंदर महजूफ है, अब मुस्तस्ना मिनहू जो महजूफ है उसको आम निकालेंगे ताकि जैद पहले उसके अंदर दाखिल हो और फिर इल्ला के बाद जैद को उससे निकाल दिया जाए। तो यहां मुस्तस्ना मिनहू को खास नहीं निकाल सकते, क्योंकि अगर मुस्तस्ना मिनहू खास होगा तो जैद तो उसके अंदर दाखिल ही नहीं होगा, जब दाखिल नहीं तो उसको निकालने का क्या माना भाई, बात समझ में आ गई। मसलन मसलन हम खास निकाल लेते हैं, मसलन अमर निकाल लेते हैं, यहां मुस्तस्ना मिनहू क्या निकालते हैं, अमर निकालते हैं, और अमर देखो खास है, अलम है, किसी एक शख्स पर सादिक आ रहा है, इसमें कोई उमूम नहीं है, इसके अंदर खुसूस ही खुसूस है। तो असल जुमला क्या था, मा जा अनी इल्ला जैदुन,
और मुस्तस्ना मिनहू यहां पर महजूफ। अब हम वो खास निकालते हैं, मसलन अमर निकाल लेते हैं, तो कलाम क्या बन गया, मा जा अनी अमरुन इल्ला जैदन, मा जा अनी अमरुन इल, मेरे पास अमर नहीं आया इल्ला जैदन मगर जैद। देखो भाई अमर तो एक खास जात का नाम है भाई, उस अमर के अंदर जैद दाखिल है, अमर का लफ्ज जैद को शामिल है, जब जैद को शामिल ही नहीं है तो उसे इस्तिस्ना आप कैसे कर सकते हैं जैद का। बात समझ में आ गई, तो पहले क्या था मा जा अनी इल्ला जैदन, अब क्या बना मा जा अनी अमरुन इल्ला जैदन, तो आपने मुस्तस्ना मिनहू खास निकाला और कलाम फिर दुरुस्त नहीं बनता क्योंकि अमर जैद को शामिल ही नहीं कि आप इल्ला के जरिए फिर जैद को निकालें, बल्कि जैसे मैंने पहले मिसाल जिक्र की थी मा जा अनिल कौमू, मेरे पास वो लोग नहीं आए इल्ला जैदन मगर जैद, देखा उन लोगों में जैद भी शामिल था, फिर इल्ला के जरिए मैंने क्या कर दिया जैद को उस हुक्म से निकाल दिया भाई। बात समझ में आ गई, तो मालूम हुआ मुस्तस्ना मुफर्रग में जो मुस्तस्ना मिनहू निकालते हैं वो आम निकालते हैं ताकि वो मुस्तस्ना को भी शामिल हो, फिर आगे इल्ला के जरिए मुस्तस्ना को उससे क्या कर देते हैं निकाल देते हैं। बात समझ में आ गई, तो लिहाजा साहिब जामी ने भी यहां पर ला यू जदु शई उन फला या कून का की तफसीर क्या की ला यू जदु शई उन, देखो शई उन निकाला और शई उन में तो सबसे ज्यादा उमूम है, शई उन का लफ्ज तो अनकरुन नकेरात है, सबसे ज्यादा तनकीर जो है लफ्ज शई उन के अंदर है, ये जिस चीज का भी वजूद है उस पर लफ्ज शय सादिक आता है। तो साहिब जामी ने शय उन निकाला, लेकिन इस शय उन से दुनिया की सारी चीजें यहां मुराद नहीं है क्योंकि अलमियत के साथ दुनिया की सारी चीजें इकट्ठी नहीं होती, ये बहस चल रही है असबाबे मनासर्फ की और अलमियत के साथ क्या जमा होते हैं असबाबे मनासर्फ, तो यहां इससे असबाबे मनासर्फ मुराद हैं, क्या मुराद हैं इससे असबाबे मनासर्फ मुराद लेंगे। शय उन निकाला, शय उन यहां उमूम के लिए है या खुसूस के लिए, अगर उमूम के लिए लें तो माना यह होगा कि तमाम असबाब मनासर्फ जो हैं फलायकून माहा, तमाम असबाब मनासर्फ जो हैं वो जमा नहीं होते माहा ऐ माल अलमियत, अलमियत के साथ इल्लल अदल व वजन अल फेल, मगर क्या अदल और वजन फेल, ये तो कलाम ही दुरुस्त ना रहा भाई, अलमियत के साथ क्या ये सिर्फ अदल और वजन फेल जमा होते हैं या बाकी चार जिनमें शर्त है वो भी जमा होते हैं, वो भी जमा होते हैं, तो लिहाजा यहां उमूम मुराद नहीं ले सकते वरना कलाम वाकई के मुताबिक नहीं रहेगा, कलाम सही नहीं रहेगा। मालूम हुआ यहां शय उनको अपने उमूम पर बाकी रखना भी सही नहीं, और खुसूस मुराद लें, खुसूस की सूरत में फिर या तो एक सूरत यह है कि आदल और वजन फेल दोनों मुराद ले लें, क्या मुराद ले लें दोनों मुराद ले लें, तो शय उन तो है मुफरद और अदल और वजन फेल ये तो दो हो गए, ये तो तस्निया हो गया, तो शय उनसे तस्निया मुराद नहीं ले सकते। उसका जवाब ये कि भाई दोनों का मजमुआ मुराद ले लेते हैं, क्या मुराद ले लेते हैं दोनों का मजमुआ मुराद लेते हैं, और दोनों मिल गए तो मजमुआ बना, और मजमुआ एक ही बना या कई मजमुए बन गए, एक ही मजमुआ, तो लिहाजा शय उनसे मजमुआ मुराद ले लो, क्या मुराद ले लो मजमुआ मुराद ले लो, तो शय उनसे उमूम में क्या मुराद लिया तमाम असबाब मनासर, और खुसूस की सूरत में या तो मजमुआ मुराद ले लो या दोनों में से एक मुराद ले लो, दोनों का मजमुआ यानी अदल और वजन फेल का मजमुआ मुराद ले लें या अहदुहुमा मुराद ले लें, यानी यूं कहें यूं कहें, शय उनसे यहां उमूम मुराद नहीं ले सकते वरना तो कलाम सही नहीं रहेगा। और खुसूस की दो सूरतें हैं, या तो मजमुअहुमा मुराद ले लें उन दोनों का मजमुआ, या अहदुहुमा मुराद ले लें दोनों में से एक, बहरहाल एक वक्त में एक मुराद लेंगे, या अहदुहुमा मुराद लेंगे या मजमुअहुमा मुराद लेंगे, तो इबारत क्या बन जाएगी फला यकूनु माहा मजमुअहुमा, बस नहीं जमा हो सकता अलमियत के साथ उन दोनों का मजमुआ, यानी दोनों इकट्ठे जमा नहीं हो सकते इल्ला अहदुहुमा मगर दोनों में से एक, लेकिन इस सूरत में फिर इस्तिस्ना सही नहीं, अगर दोनों का मजमुआ मुराद ले लें तो फिर अहदुहुमा का इस्तिस्ना सही नहीं, क्योंकि अभी मैंने बतलाया आपको कि मुस्तस्ना मुफर्रख के अंदर मुस्तस्ना मिनहू जो निकालते हैं वो आम निकालते हैं, किस लिए आम निकालते हैं ताकि ये मुस्तस्ना को भी शामिल हो और मुस्तस्ना के अलावा और चीजों को भी शामिल हो, ताकि उसमें से हम मुस्तस्ना मिनहू को निकाल सकें, क्या कर सकें
तो खुसूस की फिर दो सूरतें हैं, या तो दोनों का मजमुआ मुराद ले लो या अहदुहुमा दोनों में से एक मुराद ले लो। अगर दोनों का मजमुआ मुराद लें तो भी सही नहीं, दोनों में से एक मुराद लें तो भी सही नहीं। वजह यह कि दोनों का जब मजमुआ मुराद लिया, फला यकूनु माहा आलमियत के साथ नहीं हो सकता मजमूहुमा उन दोनों का मजमुआ इल्ला अहदुहुमा मगर दोनों में से एक। भाई जब दोनों का मजमुआ है तो इसके अंदर तो अहदुहुमा शामिल ही नहीं है, क्योंकि मजमुए का मतलब यह है दोनों को इकट्ठा मुराद लेना है, अलग अलग मुराद नहीं लेना। भाई जब दोनों को इकट्ठा ही मुराद लेना है, अलग अलग दोनों को मुराद नहीं ले सकते, तो अहदुहुमा शामिल हुआ इसमें। मजमुए का क्या माना, मजमुए का मतलब है मजमुआ ही मुराद लेना है, अहदुहुमा मुराद नहीं लेना, तो अहदुहुमा तो इसके अंदर दाखिल ही नहीं है, तो इल्ला अहदुहुमा का क्या माना, फिर इस्तिस्ना ही नहीं सही। मुस्तस्ना मिन्हू आपने क्या निकाला, मजमूहुमा, और मजमूहुमा तो अहदुहुमा को शामिल ही नहीं है, मजमुए से मजमुआ ही मुराद लेना है, दोनों अलग अलग मुराद नहीं लेने। जब दोनों का मजमुआ मुराद लेना है तो अहदुहुमा का इस्तिस्ना इससे सही नहीं, क्योंकि मुस्तस्ना मिन्हू ये तो मजमूहुमा को शामिल है, अहदुहुमा को तो शामिल ही नहीं, तो मजमुआ भी मुराद नहीं ले सकते भाई, क्योंकि इस सूरत में इस्तिस्ना ही सही नहीं बनता। और फिर खुसूस की दूसरी सूरत यह है कि अहदुहुमा मुराद ले लें, क्या ले लें, लेकिन इस सूरत में फिर खराबी यह लाजिम आती है कि मुस्तस्ना मिन्हू भी अहदुहुमा और मुस्तस्ना भी अहदुहुमा, तो इस सूरत में इस्तिस्ना उशय अन नफसी ही लाजिम आता है, एक चीज का इस्तिस्ना अपनी ही जात से किया जा रहा है और यह सही नहीं। मसलन जैसे मैं कहता हूं मा जा अनी जैदुन इल्ला जैदन, मेरे पास जैद नहीं आया मगर जैद, भाई ये तो इज्तिमाई नकी जैन है, नफी भी किसकी की, जैद के आने की, इस बात भी किसका किया, जैद के आने का, यह तो इज्तिमाई नकी जैन है, तो इस्तिस्ना उशय अन नफसी ही बातिल है। बात समझ में आ गई, तो हासिल कलाम क्या हुआ कि यहां पर मुस्तस्ना मिन्हू जो है वो शय उन निकाला साहिब जामी ने। अब इस शय उन को अपने उमूम पर रखेंगे या इससे खुसूस मुराद लेंगे, उमूम भी मुराद नहीं ले सकते और खुसूस भी मुराद नहीं ले सकते। उमूम इसलिए नहीं मुराद ले सकते कि फिर इस सूरत में कलाम का माना सही नहीं रहेगा, माना यह बन जाएगा कि अलमियत के साथ अदल और वजन फेल के अलावा और कोई भी इकट्ठे नहीं होते, हालांकि सिर्फ अदल और वजन फेल तो अलमियत के साथ जमा नहीं होते बल्कि चार और भी हैं, यानी कुल छह जमा होते हैं, छह जमा होते हैं अलमियत के साथ। तो अगर शय उनको अपने उमूम पर रखें तो फिर कलाम वाकई के खिलाफ हो जाएगा, सही नहीं रहेगा। और खुसूस भी मुराद नहीं ले सकते, क्योंकि खुसूस में दो सूरतें हैं, दो सूरतें हैं, या दोनों का मजमुआ मुराद ले लें या अहदुहुमा मुराद ले लें। मजमुआ भी मुराद नहीं ले सकते इसलिए क्योंकि मजमुए के अंदर तो अहदुहुमा शामिल नहीं, मजमुआ बोलकर मजमुआ ही मुराद लेना है, उसमें दोनों को अलग अलग मुराद ही नहीं ले सकते, तो अहदुहुमा उसमें दाखिल ही नहीं, जब दाखिल ही नहीं तो फिर इस्तिस्ना कैसे होगा। बात समझ भी आ रही है कि नहीं। और खुसूस की दूसरी सूरत यह है कि मुस्तस्ना मिन्हू जो है वो अहदुहुमा यहां महजूफ निकाल लें, तो फिर तो मुस्तस्ना मिन्हू भी अहदुहुमा और मुस्तस्ना भी अहदुहुमा, तो ये तो इस्तिस्ना उशे अन नफ्स ही लाजिम आएगा और इस्तिस्ना उशे अन नफ्स ही तो बातिल है भाई, ये तो इज्तिमाई नकीजैन लाजिम आएगा। बात समझ में आ गई, तो हासिल ये कि यहां मुस्तस्ना मिन्हू क्या है, साहिब जामी ने बतलाया शय उन है। अब इस शय उन से उमूम मुराद है या खुसूस मुराद है, उमूम भी मुराद नहीं ले सकते क्योंकि इस सूरत में माना सही नहीं रहता, माना यह बन जाता है कि अलमियत के साथ असबाब मना सर्फ में से कोई भी नहीं आ सकता इल्ला अहदुहुमा मगर ये दो जो है अदल और वजन फेल इन दोनों में से एक आ सकता है, और यह बात तो खिलाफ वाकई है भाई, अलमियत मुअसर होकर सिर्फ इन दो के साथ जमा होती है या वो छह हैं जिनके साथ अलमियत जमा होती है, छह हैं, तो लिहाजा शय उनसे यहां उमूम भी मुराद नहीं ले सकते और खुसूस भी मुराद नहीं ले सकते, क्योंकि खुसूस की दो सूरतें हैं और दोनों ही सही नहीं है। पहली सूरत खुसूस की क्या कि मजमूहुमा मुराद लें इन दोनों का मजमुआ, और दूसरी सूरत खुसूस की यह कि अहदुहुमा मुराद लें।
पहली सूरत अगर लें मजमुअहुमा मुराद लें तो फिर इस सूरत में इस्तिस्ना सही नहीं, क्योंकि मुस्तस्ना मिन्हू क्या हुआ, मजमुअहुमा दोनों का मजमुआ, और मुस्तस्ना क्या है, अहदुहुमा, अहदुहुमा तो मजमुअहुमा में शामिल ही नहीं है, क्योंकि मैंने बतलाया मजमुआ बोलकर मजमुआ मुराद लेना, यानी दोनों ही इकट्ठे होने चाहिए, दोनों में से अलग एक एक को मुराद ले ही नहीं सकते, मजमुआ का मतलब मजमुआ ही मुराद लेना है, तो यह तो फिर अहदुहुमा को शामिल ही नहीं, तो मजमुअहुमा को मुस्तस्ना मिन्हू बनाएं और अहदुहुमा को मुस्तस्ना बनाएं तो फिर तो मुस्तस्ना जो है वो मुस्तस्ना मिन्हू के अंदर दाखिल ही नहीं, जब दाखिल ही नहीं तो इस्तिस्ना ही सही नहीं रहता। और अगर खुसूस की दूसरी सूरत ले लें कि मुस्तस्ना मिन्हू अहदुहुमा निकाल लें तो फिर इस सूरत में तो इस्तिस्ना उशे अन नफ्सी ही लाजिम आएगा और इस्तिस्ना उशे अन नफ्सी ही बातिल है। भाई बात समझ में आ गई, तो फिर इस सूरत में फिर क्या मुराद लेंगे, मैंने बतलाया था कि यहां वो अमरे मुरद्दत जो है बैन मजमुअहिमा व बैन अहदिहिमा वो है मुस्तस्ना मिन्हू, और इस इबारत पर अगर आप गौर कर लें तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, फला यकूनु माहा इल्ला अहदुहुमा फकत ला मजमुअहुमा, जरा ये फकत को भी निकाल दें, फला यकूनु माहा पस नहीं हो सकता आलमियत के साथ, इल्ला अहदुहुमा मगर दोनों में से एक, ला मजमुअहुमा दोनों नहीं, देखो इल्ला अहदुहुमा किसका इस बात किया, अहदुहुमा का, ला मजमुअहुमा किसकी नफी की, मजमुए की नफी की, तो यहां मुस्तस्ना मिन्हू वो अमरे मुरद्दद है बैन मजमुअहिमा व बैन अहदिहिमा, मुस्तस्ना मिन्हू क्या है, वो अमरे मुरद्दद है दो चीजों के दरमियान, मजमुअहुमा और अहदुहुमा, तो ये जो अमरे मुरद्दद है इन दो चीजों के दरमियान वो मुस्तस्ना मिन्हू है, और इसमें तो मजमुअहुमा भी आ गया और इसमें तो अहदुहुमा भी आ गया, तो इसके अंदर उमूम है, फिर इसमें से इस्तिस्ना किसका कर दिया, अहदुहुमा का इस्तिस्ना कर दिया, और वो इस्तिस्ना सही है क्योंकि ये उसके अंदर दाखिल था पहले, अब इसको निकाल दिया गया, तो मजमुअहुमा और अहदुहुमा दोनों की नफी की और फिर उसमें से अहदुहुमा का इस्तिस्ना करके उसका इस बात कर दिया, बात समझ में आ गई। उसके बाद फिर इश्काल किया था बाज ने कि भाई आपने कहा कि अदल और वजन फेल किसी जगह कलाम अरब में इकट्ठे नहीं होते, हम आपको दिखाते हैं कि अलमियत अदल और वजन फेल दोनों के साथ जमा है, जैसे इस्मित हमजा स्वाद मीम और लंबी ता, इस्मित ये एक जंगल का नाम है, तो देखो इस्मित इफ़इल इज़रिब, देखो वजन फेल भी है और नीज इसमें अदल भी है, अलमियत भी है क्योंकि ये जंगल का नाम है, इस्मित वजन फेल भी है और अदल भी है क्योंकि ये समता यस्मुतु से है बाबे नसरा से, और बाबे नसरा से अमर जो है वो उन सुर वजन पर वो उफ़ुल जम्मतैन के साथ आता है, और ये इस्मित ये तो कसरतैन के साथ है, मालूम हुआ इसके अंदर अदल हुआ है, असल में था उस्मुत और फिर क्या बना दिया गया, इस्मित बना दिया गया, तो वजन फेल भी है और अदल भी है, अलमियत के साथ जमा है, तो उसका जवाब इन्होंने दिया था कि भाई कि ये इस्मित असल में उस्मुत था ये बात यकीनी नहीं है, इसलिए क्योंकि हो सकता है बाबे नसरा इसका मशहूर हो और बाबे जाराबा से भी ये आया हो लेकिन वो मशहूर ना हुआ हो, वो मशहूर ना हो, और नीज किसी चीज की असल मुहक्क पाई जाए ये अदल का एतबार करने के लिए काफी नहीं, इस मित की असल उस मुत पाई जाए तो इसकी वजह से अब आपको इसमें अदल मानना ही पड़े ये लाजमी नहीं है, बल्कि अदल का एतबार करना पड़ता है जब गैर इंसिराफ उसका तकाजा करे और कोई सबब ना हो और फिर आपको अदल का एतबार करना पड़ता है, जैसे उमर, उमर गैर मुनसरिफ इस्तेमाल होता है और इसमें एक ही सबब था तो फिर मजबूरन इसमें अदल का एतबार करना पड़ा क्योंकि गैर इंसिराफ उसका तकाजा कर रहा था, तो इस्मित में ऐसा नहीं है, इसके अंदर गैर इंसिराफ वो अदल का तकाजा नहीं कर रहा क्योंकि इसमें दो सबब पहले ही मौजूद हैं, एक तो इसके अंदर अलमियत है और दूसरा तानीस है, इसलिए क्योंकि ये मफाजतुन की तावील में है, मफाजतुन जंगल को कहते हैं,
मफाजतुन की तावील में है, जैसे मैंने बतलाया था शहरों और मुल्कों के नाम अरबी में मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। शहर हो तो बलदतुन की तावील में होता है, देखो बलदतुन में गोलता है, और मुल्क हो तो वो बुकातुन की तावील में होता है, देखो बुकातुन के अंदर भी गोलता है। बुकातुन का माना है जमीन का टुकड़ा। भाई बात समझ में आ गई। तो इस मित के अंदर तानीस भी है क्योंकि यह मफाजतुन की तावील में है, और अलमियत भी है, जब दो सबब मौजूद हैं तो अदल का एतबार करने की कोई हाजत नहीं है। बात समझ में आ गई। आइए अब आज का सबक देखें भाई। ثم إنه أشار إلى استثناء مثل أحمر علما إذا نكر عن هذه القاعدة على قول سيبويه بقوله وخالف سيبويه الأخفش। भाई पहले सिर्फ मतन मतन जरा देख लें। कहते हैं وخالف سيبويه الأخفش في مثل أحمر علما إذا نكر اعتبارا للصفة الأصلية بعد التنكير। وخالف سيبويه الأخفش, और मुखालिफत की है इमाम सीबवे ने इमाम अखफश की। फी मिस्ल अहमारा, अहमारा जैसे लफ्जों में, आलमन इस हाल में कि आलम हो, ईदा नुकीरा जब इसको नकेरा बना दिया जाए, जब इसको नकेरा बना दिया जाए, तो इसमें मुखालिफत की है इमाम सीबवे ने इमाम अखफश की। भाई तफसील याद रखो, अभी इन्होंने आपको जाबता बतलाया कि वो असबाब मनासर्फ जिनके साथ अलमियत मुअस्सिर होकर जमा होती है, जब उनसे अलमियत को खत्म कर दिया जाए, यानी जब इनको नकेरा बना दिया जाए, तो फिर इस सूरत में वो मुनसरिफ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मुनसरिफ हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं इमाम सीबवे अहमरा जैसे लफ्जों में इख्तिलाफ करते हैं, और क्या फरमाते हैं कि अहमरा जैसे लफ्ज वो तनकीर के बाद भी वो गैर मुनसरिफ ही रहेंगे। इन्होंने तो क्या कहा, जाब्ता क्या बयान किया कि वो असबाब मनासर्फ जिनके साथ अलमियत मुअस्सिर होकर जमा हो जाती है, जब उनको नकेरा कर दें तो वो क्या बन जाएंगे? मुनसरिफ बन जाएंगे। तवज्जो है, जब उनको नकेरा कर दें तो वो मुनसरिफ हो जाएंगे। लेकिन इमाम सीबवे फरमाते हैं कि अहमरा जैसे अल्फाज तनकीर के बाद भी गैर मुनसरिफ रहेंगे, यानी अलमियत थी, अलमियत खत्म कर दें फिर भी ये गैर मुनसरिफ ही रहेंगे। अहमरा जैसे लफ्जों से क्या मुराद है याद रखो, अहमरा जैसे लफ्जों से वो इसम मुराद हैं जिनमें अलमियत से पहले वस्फियत जाहिर थी, यानी अलमियत से पहले वो वसफ थे, और वसफ भी कैसे थे कि उनकी वस्फियत जाहिर थी, खफी नहीं थी। तो अब देखो अहमरा अभी अलम नहीं बनाया, तो अहमरा पहले भी गैर मुनसरिफ है। एक सबब क्या? वजने फेल। एक सबब क्या? वस्फियत, ये वसफ है भाई। तो अहमरा गैर मुनसरिफ है। तवज्जो है, कौन कौन से दो सबब? एक वजने फेल, एक वस्फियत। फिर इसके बाद इसको किसी का नाम रख दिया गया, आलम बना दिया। जब नाम रखा तो वस्फियत चली गई, क्योंकि वस्फियत और आलमियत दोनों मुतजाद हैं। वस्फियत और आलमियत दोनों जमा नहीं हो सकते, क्योंकि वसफ दलालत करता है जाते मुबहम पर, और आलम दलालत करता है जाते मुअय्यन पर। जारिबुन का माना पिटाई करने वाला, कोई खास शख्स आपके जहन में आया? नहीं। जारिब अमर भी हो सकता है, बकर भी, खालिद भी, ये किसी की भी सिफत बन सकता है। लेकिन जब मैंने कहा जैद, देखो एक खास शख्स आपके जहन में आ गया, मसलन आपके एक साथी का नाम जैद है, तो जो वसफ होता है ये किस पर दलालत करता है? जाते मुबहम पर, जैसे जारिब, मजरूब वगैरह, ये सब क्या है? सिफत है। तो अहमर भी इसी तरह वसफ था। अहमर का क्या माना? सुरख। ये अफालु सिफती है, मैंने आपको बतलाया था कि ये अफालु वजन, ये इसमें तफजील के लिए भी आता है और सिफत मुशब्बा के लिए भी आता है। इसमें तफजील अजरब, अजरब का क्या माना? ज्यादा पिटाई करने वाला। लेकिन यही अफाल वजन सिफत मुशब्बा के लिए भी आता है, जैसे अहमर, अबयज। तो अहमर का माना ज्यादा सुरख, या अबयज का माना ज्यादा सफेद नहीं है, बल्कि अहमर का माना है सुरख, क्योंकि इसमें तफजील नहीं है, यह सिफत मुशब्बा है, और इसको अफालु सिफती कहते हैं।
इसको क्या कहते हैं, वो जो अफालू था पहले वो इसमें तफजील वाला था, और ये अफालू कौन सा है, अफालू सिफती है, ये सिफत मुशब्बा है। तो अहमर का क्या माना, सुरख, ज्यादा सुरख इसका माना नहीं। इसी तरह अबियस का क्या माना, सफेद है, ज्यादा सफेद इसका माना नहीं। तो बात चल रही थी अहमर की कि अहमर जैसे अल्फाज जिनमें आलमियत से पहले वसफियत जाहिर थी, अहमर आलमियत से पहले भी गैर मुनसरिफ था, कौन से दो सबब थे, एक वजन फेल था और एक वसफियत थी, फिर इसको आलम बना दिया गया। अब वसफियत चली गई क्योंकि वसफियत और आलमियत इकट्ठे नहीं हो सकते, वसफियत दलालत करती है जात मुभम पर और आलमियत दलालत करती है जात मुअय्यन पर, यूं कहो, क्योंकि वसफियत में उमूम होता है और आलमियत में खुसूस होता है। तो जब आलम बना दिया, अब भी अहमर का लफ्ज गैर मुनसरिफ है, अब कौन कौन से दो सबब हैं, एक वजन फेल है और एक आलमियत है, फिर इसको नकेरा बना दिया गया। जब इसको नकेरा बनाया गया, पूरी एक जमात का नाम अहमर रख दिया मसलन, तो इमाम सीबवे फरमाते हैं अब भी ये गैर मुनसरिफ है, अब भी ये गैर मुनसरिफ है भाई। अब कौन से दो सबब, तो फरमाते हैं एक सबब तो वजन फेल है और दूसरा इसके अंदर वसफियत असलिया है। असल में ये क्या था, वसफ था। जब आलम बनाया था, तवज्जो है, जब आलम बनाया था उस वक्त वसफियत का एतबार नहीं कर सकते थे क्योंकि वसफियत और आलमियत में तजाद है, ये दोनों जमा नहीं हो सकते। लेकिन जब आलमियत खत्म हो गई, अब माने आना रहा, जब माने आना रहा तो अब किसका एतबार करना पड़ेगा, उस वसफियत असलिया का एतबार करना पड़ेगा। वो दरअसल इसको कियास करते हैं अस्वद और अरकम पर। अस्वद और अरकम, मैंने बताया अस्वद अरबी जुबान में हर काली चीज के लिए वजा था, लेकिन बाद में ये काले रंग के सांप के साथ खास हो गया। अब इस पर गलबा इस्मियत आ गया। अब जब अस्वद का लफ्ज बगैर करीने के बोला जाए तो इससे वो काला सांप मुराद होता है, वसफियत इससे जा चुकी है, लेकिन फिर भी अस्वद अरबी में गैर मुनसरिफ इस्तेमाल होता है। वसफियत देखो जा चुकी है, वसफियत जायल हो चुकी है, अब ये इसम बन चुका है उस काले रंग के सांप के लिए, लेकिन जवाल के बाद भी देखो वसफियत असलिया का एतबार किया जा रहा है। तो एक अस्वद के अंदर वजन फेल और एक वसफियत असलिया, लिहाजा ये अस्वद का लफ्ज गैर मुनसरिफ इस्तेमाल होता है। इसी तरह अरकम का लफ्ज है, अरकम का लफ्ज अरबी जुबान में हर चतकुबरी चीज के लिए वजा था, यानी जिसमें सफेदी और स्याही, यानी सफेद और काला रंग दोनों हो, तो उसको अरकम कहते थे। फिर ये खास चतकुबरे सांप का नाम बन गया। अब देखो इस पर गलबे इस्मियत आ गया, वसफियत खत्म हो गई, वसफियत जायल हो गई, लेकिन जायल हो जाने के बावजूद वो वसफियत मोतबर है और अरकम का लफ्ज अरबी में गैर मुनसरिफ इस्तेमाल होता है। एक वजन फेल है और एक वसफियत असलिया है। बात समझ में भाई, ये एक तो सूरत ये है कि अस्वद और अरकम इस्तेमाल ही सिफत के तौर पर हो, फिर तो उसमें कोई इश्काल ही नहीं है। बात ये है कि सांपों का नाम बनने के बाद भी ये गैर मुनसरिफ इस्तेमाल होते हैं, उस सांप के लिए भी जब अस्वद और अरकम का लफ्ज बोलते हैं तो गैर मुनसरिफ ही बोलते हैं, हालांकि अब तो ये इसम बन चुका है, अब तो वसफ है ही नहीं, तो वसफियत जायल हो चुकी है, लेकिन फिर भी उस वसफियत जाइला का एतबार किया जा रहा है। तो इसी तरह अहमर के अंदर भी जब इसको आलम बनाया गया तो वसफियत जायल हो गई, लेकिन जब आलमियत खत्म हुई, अब मान्या खत्म हो गया, अब फिर उस वसफियत असलिया का क्या किया जाएगा, एतबार किया जाएगा। यह इमाम सीबवे फरमाते हैं। लिहाजा जब अहमर से आलमियत खत्म की, अब भी यह गैर मुनसरिफ है। जाप्ता तो क्या बतलाया था कि जिस गैर मुनसरिफ में अलमियत मुअस्सिर होकर जमा होती है, जब उससे अलमियत खत्म करोगे तो वो क्या बन जाएगा, मुनसरिफ। लेकिन इमाम सीबे क्या फरमाते हैं, अहमरा जैसे लफ्ज इनसे अलमियत खत्म कर दो, ये फिर भी गैर मुनसरिफ रहेंगे। वो इसमें एतबार करते हैं वसफियत असलिया का और वो इसको कियास करते हैं अस्वद और अरकम पर। बात समझ में आ गई। जबकि इमाम अखफश फरमाते हैं कि नहीं, वो वसफियत जब एक दफा चली गई, अहमर पहले वसफ था,
फिर किसी का नाम रख दिया तो वसीयत चली गई। जब वसीयत चली गई, अब जब दोबारा इस अहमर से आप आलमियत खत्म करेंगे तो वो वसीयत दोबारा नहीं आएगी, वो एक दफा खत्म हो चुकी है। जब खत्म हो गई तो बगैर किसी मुक्तजी के उसका एतबार नहीं किया जाएगा। कोई चीज तकाजा ही नहीं कर रही कि दोबारा उसका एतबार करो, कोई मुक्तजी हो जो तकाजा करे कि उसका एतबार करो फिर तो अलग बात है, लेकिन यहां कोई मुक्तजी नहीं है। लिहाजा वो वसफियत जो खत्म हो चुकी अब उसका एतबार नहीं किया जाएगा। तो इमाम अखफश फरमाते हैं कि अहमरा जैसे लफ्ज जब इनको भी नकेरा बनाएंगे तो ये भी मुनसरिफ हो जाएंगे। तो इमाम अखफश का कौल कानून के मुताबिक है और इमाम सीबुवे का कौल इस जो पीछे जाब्ता जिक्र हुआ उसके मुखालिफ है। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं वखालफ सीबवे हिल अखफशा, और मुखालिफत की है इमाम सीबवे ने इमाम अखफश की। फी मिसली अहमरा, अहमरा जैसे लफ्जों में, मैंने बताया अहमरा से क्या मुराद है, वो लफ्ज अहमरा से मुराद वो लफ्ज है जिसके अंदर आलमियत से पहले भी दो सबब मौजूद थे, आलमियत से पहले भी वो गैर मुनसरिफ था लेकिन उन दो सबबों में से एक सबब वसफियत थी। एक सबब क्या था? वसफियत थी। तवज्जो है, फिर दोहराएं, अहमरा जैसे लफ्जों से क्या मुराद है? जो वसफियत से पहले भी गैर मुनसरिफ थे और आलमियत के वक्त भी गैर मुनसरिफ हैं, और आलमियत से पहले जब ये गैर मुनसरिफ था उस वक्त एक सबब वसफ था ताकि जब आलमियत आए तो वसफ क्या हो जाए? खत्म हो जाए। बात समझ में आ गई? तो अहमरा जैसे लफ्जों से कौन से लफ्ज मुराद? जो आलमियत से पहले भी गैर मुनसरिफ थे और उसके अंदर दो सबबों में से एक सबब क्या था? वसफ था, बाकी दूसरा जो भी सबब हो गई। तो कहते हैं वखालफ सीबवे हिल अखफशा, और मुखालिफत की है इमाम सीबवे ने इमाम अखफश की। फी मिसले अहमरा, अहमरा जैसे लफ्जों में, आलमन इस हाल में कि यह आलम हो, इसमें मुखालिफत की है कब? इजा नुकिरा, जब इसको नकेरा बना दिया जाए। एतबार लिसिफतिल असलियति, बवजह एतबार करने सिफत असलिया का, यानी सिफत असलिया का एतबार करने की वजह से, बाद तनकीर नकेरा बनाने के बाद। इमाम सीबवे ने मुखालिफत की है इमाम अखफश की अहमरा जैसे लफ्जों में, क्यों मुखालिफत की है? एतबार लिसिफत असलियति, सिफत असलिया का एतबार करने की वजह से, सिफत असलिया का एतबार करने की वजह से, कब? बाद तनकीर नकेरा बनाने के बाद। इमाम सीबवे इस जैसे लफ्जों को नकेरा बनाने के बाद भी, नकेरा बनाने के बाद भी सिफत असलिया का एतबार करते हैं, इसलिए उन्होंने मुखालिफत की है किसकी? इमाम अखफश की। याद रखो भाई, ये इमाम सीबवे और इमाम अखफश, इमाम सीबवे और इमाम अखफश, इमाम सीबवे हैं उस्ताज और इमाम अखफश हैं उनके शागिर्द, और साहिब काफिया क्या फरमा रहे हैं? इमाम सीबवे ने मुखालिफत की है किसकी? इमाम अखफश की। तो मुखालिफत की निस्बत कर दी इमाम सीबवे की तरफ कि उन्होंने मुखालिफत की है, हालांकि इमाम सीबवे उस्ताद हैं भाई, ये पसंदीदा नहीं है कि उस्ताद की तरफ मुखालिफत की निस्बत की जाए, बल्कि मुखालिफत की निस्बत शागिर्द की तरफ करनी चाहिए थी कि उस्ताद तो यूं फरमाते हैं और शागिर्द ने अपने उस्ताद की मुखालिफत की है, लेकिन साहिबे काफिया भाई इन्होंने मुखालिफत की निस्बत इमाम सीबवे की तरफ इसलिए की क्योंकि पीछे जो जाबता जिक्र किया था इमाम अखफश की बात जाबते के मुताबिक है और इमाम सीबवे की बात उस जाबते के खिलाफ है, इसलिए मुखालिफत की निस्बत किसकी तरफ कर दी? इमाम सीबवे की तरफ, ताकि पढ़ने वाले को पता चल जाए कि इमाम अखफश की बात जाबते के मुताबिक है और इमाम सीबवे की बात जाबते के मुखालिफ है। तो मुखालिफत की निस्बत इमाम सीबवे की तरफ कर दी। अगर निस्बत इमाम अखफश की तरफ करते तो फिर इस नुक्ते की तरफ इशारा न होता भाई। बात समझ में आ गई? तो क्यों मुखालिफत की निस्बत इमाम सीबवे की तरफ की? क्योंकि इमाम अखफश की बात जो पीछे जाबता था उसके मुताबिक थी, तो उसको असल करार दे दिया और बतलाया
कि इमाम अखफश का कौल तो इसके मुताबिक है, अलबत्ता इमाम सीबवेग ने इसकी मुखालिफत की है। भाई देखिए भाई अब शरा के साथ सारा कहते हैं सुम्मा इन्नहू अशारा इलस्तिस्ना इमिस्ली अहमरा अलमन इदा नुक्किरा, फिर साहिब काफिया ने इशारा किया इलस्तिस्ना इमिस्ली अहमरा। भाई इधर देखिए इमाम सीबवे ने मुखालिफत की है इमाम अखफश की, अहमरा जैसे लफ्जों के अंदर मुखालिफत की है। मालूम हुआ बाकी लफ्ज जो हैं उनमें तो कोई इख्तिलाफ नहीं, वो तो सारे जब उनसे अलमियत खत्म करेंगे वो मुनसरिफ बन जाएंगे, लेकिन अहमरा जैसों लफ्जों में इमाम सीबवे ने मुखालिफत की है तो गोया अहमरा जैसे अल्फाज इस जाब्ते से मुस्तस्ना है, वो उनसे जब अलमियत को खत्म करेंगे तो इमाम सीबवे के नजदीक वो मुनसरिफ नहीं बनेंगे। तो मालूम हुआ अहमरा जैसे लफ्ज जब वो आलम हो तो उनका इस्तेसना है इस जाब्ते से, बात समझ में आ गई। तो कहते हैं सुम्मा इन्नहू अशारा इलस्तिसना इमिस्ले अहमरा अलमन इदा नुक्किरा, फिर साहिब काफिया ने इशारा किया अहमरा जैसे लफ्ज इस हाल में कि जब ये आलम हो इनके इस्तेसना की तरफ, साहिब काफिया ने इशारा किया अहमरा जैसे अल्फाज जब वो आलम हो उनके इस्तेसना की तरफ ईजा नुक कीरा, जब इसको नकेरा बना दिया जाए, इशारा किया इसके इस्तेसना की तरफ अन हादिहिल कायदती, इस कायदे से कि इस कायदे से अहमरा जैसे अल्फाज का इस्तेसना है, आला कौली सीबवे ही इमाम सीबवे के कौल पर बिकौली ही अपने इस कौल के साथ। फिर देखो तर्जमा सुनो भाई, भाई देखो इस्तेसना है अहमरा जैसे लफ्जों का इस कायदे से किसके कौल पर, इमाम सीबवे के कौल पर इस्तेसना है, इमाम अखफश के कौल पर इस्तेसना नहीं है। देखो तर्जमा फिर सुनो, कहते हैं सुम इन्नहू अशारा, फिर साहिब काफिया ने इशारा किया इलस्तिसना इमिसले अहमरा अलमन इदा नुक्किरा, कि अहमरा जैसे अल्फाज जब वो आलम हो जब उनको नकेरा बना दिया जाए तो इनका इस्तेसना है अन हादिहिल कायदती, इस कायदे से इस कानून से अला कौली सीबवे ही इमाम सीबवे के कौल पर, तो इसके इस्तेसना की तरफ इशारा किया बिकौली ही अपने इस कौल के साथ, वखालफ सीबवे हिल अखफशा, और मुखालिफत की है इमाम सीबवे ने इमाम अखफश की। भाई देखिए सीबवे मैं पहले भी बयान कर चुका, ये मुरक्कब सौती है, सौत स्वाद से है, ये सीबा वय ही, ये दूसरा जुज जो वय है ना ये सौत है आवाज है, इसका कोई माना नहीं, और सीब ये फारसी लफ्ज है जिसका माना है सेब बई सेब। तो इनको इमाम सीबवे क्यों कहते हैं, मुख्तलिफ वजूहात उलमा ने लिखी हैं, बास कहते हैं ये इनकी वालिदा ने इनको इनका नाम रखा था सीबवे, बास कहते हैं चूंकि ये बहुत जहीन थे इसलिए लोगों ने इनको क्या कहा सीबवे, सीबवे यानी यूं का माना यानी सेब की खुशबू, जैसे सेब फलों में आला है इसी तरह यह भी बहुत जहीन है, तो इसलिए इनको सीबवे कहते थे। भाई सीबवे ये मुरक्कब बिनाई है भाई, सीबा पहला जुज मबनी अल फता है और वय ही दूसरा जुज मबनी अल कसरा है, तो ये महल्लन मरफू है फाइल है खालफा का, और अल अखफशा ये मफूल भी ही है, और अल मशहूरा ये सिफत है इमाम अखफश की, अल अखफश अल मशहूरा, और अल अखफश ये मंसूब है मफूल भी ही है, तो इसकी सिफत अल मशहूरा वो भी क्या होगी मंसूब होगी। याद रखो ये अखफश नाम के तीन नहवी हजरात गुजरे हैं, एक इमाम सीबवे के उस्ताद हैं उनका नाम भी अखफश, एक इमाम सीबवे के जमाने में थे उनका नाम भी अखफश, और एक इमाम सीबवे के शागिर्द हैं उनका नाम भी अखफश। इमाम सीबवे के उस्ताद का नाम भी अखफश, इमाम सीबवे के जमाने ही में एक और नहवी थे उनका नाम भी अखफश, और इमाम सीबवे के शागिर्द भी अखफश, और इन तीन अखाफिश में से जो इमाम सीबवे के शागिर्द हैं ये मशहूर हैं। ये क्या हैं? ये मशहूर हैं, ये बड़े नहवी हैं भाई, ज्यादा मशहूर हैं, इसीलिए कहा अल अखफश अल मशहूरा, वो इमाम अखफश जो के मशहूर हैं।
हुआ अबुल हसन तिलमीज उसी बवैही, ये अबुल हसन है यानी इनकी कुनियत अबुल हसन है, तिलमीज उसी बवैही ये शागिर्द हैं इमाम सीबवै के। कहते हैं वलम्मा काना, अब वजह जिक्र करने लगे हैं कि भाई मुखालिफत की निस्बत उस्ताद की तरफ क्यों की, ये तो पसंदीदा नहीं, किसकी तरफ करनी चाहिए थी, शागिर्द की तरफ। कहते हैं वलम्मा काना कौल तिलमीज अजहरा, और जब शागिर्द का जो कौल था वो ज्यादा जाहिर था, मा मुआफकती लिमा जकरहु मिनल कायदती, साथ इसके कि इसकी मुआफकत भी थी, शागिर्द का जो कौल था वो मुआफिक था, लिमा जकरहु उस चीज के जिसको मुसन्निफ ने जिक्र कर दिया, इमाम अखफश का कौल उस चीज के मुआफिक था जिसको मुसन्निफ ने जिक्र किया, भाई वो क्या चीज थी, मीन बयान है, मिनल कायदती यानी कि वो कानून, इमाम अखफश का कौल उस जाब्ते और कानून के मुताबिक था, जअलहु असलन, तो इमाम अखफश के कौल को असल करार दिया, व असनदल मुखालफत इलल उस्ताजी, और मुखालिफत की निस्बत कर दी उस्ताज की तरफ, व इनकान गैर मुस्तहसनिन, अगरचे ये पसंदीदा नहीं, तंबीहन अला जालिका, इस बात पर तंबीह करने के लिए, इस बात पर तंबीह करने के लिए कि शागिर्द का कौल उस जाब्ते और कानून के मुताबिक है। भाई तो इमाम सीबवे ने मुखालिफत की है इमाम अखफश की, फिन सिराफी मिसली अहमारा आलमन, किस चीज में, फिन सिराफी मिसली अहमारा, अहमारा जैसे लफ्जों के मुंसरिफ होने में, आलमन इस हाल में कि ये क्या हो, आलम हो, इसमें मुखालिफत की है, इदा नुक्कीरा, जब इसको नकेरा बना दिया जाए, किस चीज में मुखालिफत की है, अहमरा जैसे लफ्जों के मुंसरिफ होने में मुखालिफत की है, इसीलिए फी के बाद इंसिराफ का लफ्ज साहिब जामी ने निकाला, फिनसिराफ मिसली अहमरा अलमन इदा नुकीरा, इमाम सीबवे ने इमाम अखफश की मुखालिफत की है अहमरा जैसे लफ्जों के मुंसरिफ होने में, जब वो अलम हो, इदा नुकीरा जब इनको नकेरा बना दिया जाए, वल मुराद भी मिसली अहमरा, जी अब मुराद बयान करने लगे कि मिसले अहमरा से क्या मुराद है, मैंने बतलाया, बताइए मिसले अहमरा से कौन से लफ्ज मुराद हैं, जो अलमियत से पहले भी गैर मुंसरिफ थे और उनमें दो सबब कौन से हों, एक वसफ होना चाहिए, दूसरा कोई भी सबब हो, भाई तो कहते हैं वल मुराद भी मिसले अहमरा, और अहमरा जैसे लफ्जों से मुराद मा काना मानल वस्फीयति फीही कबल अलमियति जाहिरन, वो इसम है जिनके अंदर वस्फीयत का माना कबल अलमियति अलमियत से पहले ही जाहिरन जाहिर था, गैर खफीन खफी नहीं, यानी वो जिसमें अलमियत से पहले वस्फियत का माना जाहिर हो खफी ना हो, वो मुराद हैं। मालूम हुआ अहमरा से अहमरा का वजन नहीं मुराद, बल्कि वो इसम मुराद है जो कबल अलमियत गैर मुंसरिफ हो और उसमें दो सबब पाए जाएं, तवज्जो है, लिहाजा सकरानो इसके अंदर दाखिल हो गया। आपने पढ़ा था सकराना किसे कहते हैं, मदहोश, जो नशे में मदहोश हो, और इसकी मुअन्नस क्या आती है, सकरा, और ये बिल इत्तेफाक गैर मुंसरिफ है, तो सकराना कबल अलमियत ही गैर मुंसरिफ है। कौन कौन से दो सबब हैं, एक अलिफ नून मजीदा तान है और दूसरा सबब वस्फियत है, देखा, तो ये भी इसके अंदर दाखिल हो गया, हालांकि सकराना का वजन तो वो अफालू नहीं है। मालूम हुआ अफालू वजन भी नहीं मुराद और अफालू सिफ्ती भी मुराद नहीं है, बल्कि हर वो लफ्ज मुराद है जिसमें कबल अलमियत ही दो सबब हों और उन दो सबबों में से एक वस्फियत हो, और वो वस्फियत भी जाहिर होनी चाहिए, खफी नहीं होनी चाहिए, यह जाहिर हो खफी ना हो। तो कहते हैं फयद खुलूफी हिस्सा करानू, तो इसके अंदर सकरानू भी दाखिल हो गया, व अमसालहू और इस जैसे और लफ्ज भी दाखिल हो गए, व यखरुजु अनहू अफअलु ताकीदी नहू अजमा, और इससे अफअलु ताकीद निकल गया, अफअलु एक अफअलु ताकीद के लिए आता है भाई, जैसे अजमाऊ, अजमाऊ याद रखो, अजमाऊ जो है असले वजा में जमईयत के लिए वजा था, देखो अजमाऊ लफ्ज से ही पता चल रहा है जमईयत का, तो असले वजा में ये वसफ था, लेकिन फिर इसको ताकीद के लिए इस्तेमाल करने लगे, अब ये सिर्फ ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है,
वसफियत के लिए इस्तेमाल नहीं होता। तो जब ताकीद के लिए आया तो मालूम हो इसमें वसफियत नहीं है। वसफियत असलिया तो है लेकिन इस्तेमाल किस में हो रहा है? भाई ताकीद अलग है ना। आप तवाबिया का बयान नह के अंदर पढ़ते हैं, तवाबिया में क्या क्या है? सिफत होती है और ताकीद है और बदल वगैरह है। तो देखो सिफत और ताकीद को अलग अलग शुमार करते हैं। सिफत और चीज है, ताकीद और चीज है। तो अजमाऊ का लफ्ज वजा था वसफियत के लिए लेकिन फिर किस लिए इस्तेमाल होने लगा? ताकीद के लिए। देखो अजमाऊ का लफ्ज कबल आलमी, तवज्जो है, अजमाऊ का लफ्ज कबल आलमियत भी गैर मुनसरिफ और आलमियत के दौरान भी गैर मुनसरिफ, लेकिन आलमियत खत्म करोगे तो यह मुनसरिफ बन जाएगा। आलमियत से पहले क्या था? अजमाऊ। कौन से दो सबब? वजन फेल और वसफियत असलिया। अब तो यह ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन असले वजह में क्या था? वसफ। तो वसफियत भी है और वजन फेल। फिर यह किसी का नाम रख दिया। अब कौन कौन से दो सबब? अब अलमियत है और वजन फेल है और फिर इससे अलमियत खत्म की। अब क्या बन गया? अब मुनसरिफ बन गया। भाई अब वसफियत का क्यों नहीं एतबार करते? इसलिए क्योंकि अलमियत से पहले जो इसके अंदर वसफियत थी वो जाहिर नहीं थी। वो क्यों नहीं थी जाहिर? मुझे वजह बताइए। भाई अजमाऊ अलमियत से पहले कौन कौन से दो सबब? एक वजन फेल है, दूसरा क्या? वसफियत असलिया है, फिलहाल वसफ है। फिर नहीं तवज्जो सबक की तरफ। अजमाऊ ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है, असले वजा में तो वसफ था लेकिन फिलहाल किस में इस्तेमाल होता है? अब ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है, अब वसफ के लिए नहीं इस्तेमाल होता। लेकिन फिर भी गैर मुनसरिफ है, अलमियत से पहले की बात कर रहा हूं। गैर मुनसरिफ कौन से दो सबब? एक वजन फेल, दूसरा वसफियत असलिया। फिलहाल वसफ नहीं बल्कि कौन सी वसफियत है? वसफियत असलिया। फिलहाल तो यह क्या है? ताकीद है। अब जब इसको अलम बनाओगे अभी भी क्या है? अभी भी गैर मुनसरिफ। कौन से दो सबब? वजन फेल और अलमियत, नाम रख दिया। अब इसको फिर क्या बनाया? नकेरा। अब ये मुनसरिफ। क्यों मुनसरिफ? भाई अलमियत तो खत्म हो गई, अब एक तो इसमें वजन फेल है, वसफियत नहीं है। क्यों नहीं वसफियत? क्योंकि वसफियत अलमियत से पहले भी नहीं थी, वो भी वसफियत असलिया का हम एतबार कर रहे थे, वरना ये खुद तो ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है। भाई तो अलमियत से पहले भी जो वसफियत थी वो भी कौन सी थी? जाहिर नहीं थी, वो वसफियत असलिया थी। ये तो ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है। मालूम हुआ अजमाऊ के लफ्ज जो है ये अलमियत के बाद क्या बन जाएगा? मुनसरिफ, क्योंकि अलमियत से पहले इसके अंदर वसफियत जाहिर नहीं है, खफी है। वसफियत असलिया है, फिलहाल नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई? देखिए भाई किताब पर कहते हैं वया खुरुज अनहु अफालु ताकीदी, और इससे ताकीद वाला अफालु जो है वो भी निकल गया। नहु अजमा, जैसे अजमाऊ है, फइन्नहु मुनसरिफुन इंदत तनकीर बिल इत्तिफाक, इसलिए क्योंकि ये तनकीर के वक्त बिल इत्तिफाक मुनसरिफ हो जाएगा। ले ज़ुअफी मानल वसफियती फी कबल आलमियती, इसलिए क्योंकि वसफियत का माना इसके अंदर ज़ईफ है, कबल आलमियती आलम होने से पहले। लिकाउन ही बिमाना कुल्लिन, क्योंकि ये किस माना में था आलमियत से पहले? कुल्लुन के माना में था, सिर्फ वसफियत असलिया का एतबार किया था, वरना खुद तो यह वसफ नहीं था। भाई भाई देखो ये अजमाऊ का लफ्ज अलमियत से पहले इसके अंदर वसफियत कमजोर थी, क्योंकि अलमियत से पहले यह वसफ के तौर पर इस्तेमाल नहीं होता था बल्कि ताकीद के लिए इस्तेमाल होता था, बमाने कुल्लुन के। जैसे मसलन मैं कहता हूं इश्तरैतुल अब्दा अजमाअ, इश्तरैतुल अब्दा अजमाअ, क्या माना? इश्तरैतुल अब्दा कुल्लहू, मैंने पूरा गुलाम खरीद लिया, सारा गुलाम खरीद लिया। तो देखो यहां पर जो अजमाऊ अल अब्द की ताकीद आया ये किस माना में है? कुल्लुन के माना में है। तो अलमियत से पहले अजमाऊ का लफ्ज
उसमें वसफियत का माना जाहिर नहीं था, बल्कि वो किस माना के लिए इस्तेमाल हो रहा था, ताकीद के लिए इस्तेमाल हो रहा था, और बमाने कुल्लुन था। भाई बात समझ में आ गई। यह माना है ले जोफी मानल वसफियत फी कबल आलमियती, बवजह वसफियत का माना इसके अंदर कमजोर होने के कबल आलमियती, आलमियत से पहले, लिकाउ नहीं बिमाना कुल्लिन, इस वजह से कि यह कुल्लुन के माना में था यानी आलमियत से पहले। व कजालिका अफअल तफजील मुजर्रदु अन मीनी तफजीलियती, और इसी तरह वो अफअल तफजील अल मुजर्रदु, मुजर्रद सिफत है अफअलु की, अफअलु मुजाफ अ तफजील मुजाफोन इले, अल मुजर्रदु की अफअलु की सिफत है और वो मरफू है तो अल मुजर्रदु भी मरफू है। अन मीनी तफजीलियती, ये मीन, मीन से लफ्जे मीन मुराद है और अ तफजीलियती इसकी सिफत है। वो जो इबारत के अंदर मीन आता है उसका नाम ही क्या रख दिया, मीन, तो ये आलम है, लिहाजा इसीलिए इसकी सिफत मारिफा अ तफजीलिया लेकर आए। भाई मीन क्या है, हर्फ है ना, और हर्फ अरबी में मुजक्कर भी इस्तेमाल होते हैं, मुअन्नस भी, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल यह है कि यह मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। तो इस मीन की सिफत अ तफजीलिया लाए, अ तफजीलिया के अंदर यह या निस्बत वाली है, जैसे लाहौर और लाहौरियन, लाहौर शहर का नाम, इसकी तरफ निस्बत करनी हो तो क्या कहेंगे, लाहौरियन, लाहौर वाला, और कोई औरत हो तो क्या कहेंगे, लाहौरियतुन, लाहौर वाली। तो यहां पर भी इसी तरह मीन ज्यादातर मुअन्नस इस्तेमाल होता है, इसीलिए अतफजीलियती इसकी सिफत भी मुअन्नस लेकर है। तर्जमा क्या करेंगे, अन मीनी तफजीलियती, तफजील वाला मीन, लाहौरियन का क्या माना, लाहौर वाला, तो मीनी तफजीलिया का क्या तर्जमा करेंगे, तफजील वाला मीन। तो कहते हैं वकजालिका अफअल तफजील मुजर्रद अन मीनी तफजील। अच्छा पहले बात समझ लें भाई, आपने पढ़ा है इसमें तफजील के इस्तेमाल के तीन तरीके हैं, कभी ये मीन के साथ इस्तेमाल होता है, कभी अलिफ्लाम के साथ, और कभी इजाफत के साथ। जैदुन आलमु मिन अमरिन, जैद अमर से ज्यादा जानने वाला है, या जैदुनिल आलमु, वो जैद जो ज्यादा जानने वाला है, या जैदुन आलमुल कौमी, जैद पूरी कौम से ज्यादा जानने वाला है। तो इसमें तफसील के इस्तेमाल के कितने तरीके, तीन तरीके, मीन के साथ, अलिफ्लाम या इजाफत के साथ। कहते हैं वो इसमें तफसील जो मीन से खाली हो, वो इसमें तफसील जो मीन से खाली हो, उसमें भी वसफियत का माना जाहिर नहीं होता। तवज्जो है, उसमें भी वसफियत का माना जाहिर नहीं, लिहाजा अगर किसी का नाम ऐसा इसमें तफजील रख दिया जिसके साथ मीन नहीं है, जब इससे आलमियत खत्म करोगे तो यह भी मुनसरिफ हो जाएगा, यह भी क्या हो जाएगा, मुनसरिफ हो जाएगा। जैसे किसी का नाम मैं असगर रख देता हूं, असगर, अब यह कौन सा सीगा है, इसमें तफजील है, आलमियत से पहले इसमें कौन से दो सबब, एक वसफियत है और एक एक वजन फेल है, तो दो सबब मौजूद हैं जिनमें से एक सबब वसफियत है। फिर मैंने किसी का नाम रख दिया असगर, अब कौन से दो सबब, एक वजन फेल और एक आलमियत, फिर इसको मैंने नकेरा बना दिया, तो याद रखो ये मुनसरिफ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ मीन है नहीं। अगर मीन होता तो इसमें वसफ का माना जाहिर होते, क्योंकि मीन बतलाता कि एक चीज को दूसरी चीज पर फजीलत दी जा रही है, उसकी ज्यादती बयान की जा रही है, और असगर के साथ मीन है नहीं है, जब मीन नहीं है तो अब इसके अंदर वसफियत जाहिर नहीं, जब वसफियत जाहिर नहीं तो जब इसको नकेरा बनाएंगे तो यह मुनसरिफ हो जाएगा। लिहाजा असगर कबल आलमियत गैर मुनसरिफ, और आलम बना दो फिर भी गैर मुनसरिफ, लेकिन आलमियत खत्म करो तो मुनसरिफ बन जाएगा। लेकिन अगर इसी के साथ मीन लगा दो, असगर उमिन अमरिन, असगर उमिन, अब मैंने एक आदमी का नाम ही यह रख दिया असगर उमिन अमरिन, तो असगरु पहले क्या था, असगर उमिन अमरिन, आलमियत से पहले क्या था असगरु का लफ्ज, गैर मुनसरिफ, अब मैंने आलम बना दिया, ये सारे को उठाकर आलम बना दिया असगर उमिन अमरिन, ये पूरा उसका नाम रख दिया, अब अभी भी ये गैर मुनसरिफ,
और फिर मैंने अलमियत खत्म कर दी। असगरु मिन आमरीन, ये अब भी गैर मुनसरिफ है। क्यों? क्योंकि इसके साथ मीन तफजीलिया है। ये मीन बतला रहा है कि एक चीज को दूसरी चीज पर फजीलत दी जा रही है। मसलन मैं कहता हूं जैदुन अजरबु मिन आमरीन, जैद आमर से ज्यादा पिटाई करने वाला है। ये मीन बतला रहा है कि जैद को फजीलत दी जा रही है। किस पर? आमर पर। तो वो अफालु तफजील जो मीन तफजीलिया से खाली हो उसके अंदर भी आलमियत से कबल वसफियत जाहिर नहीं, उसमें वसफियत जाहिर नहीं। चुनांचे जब इसको नकेरा बनाएंगे तो ये मुनसरिफ हो जाएगा, और अगर मीन तफजीलिया साथ हो फिर तो इसके अंदर वसफियत जाहिर है, लिहाजा आलमियत को खत्म करेंगे तो फिर भी ये गैर मुनसरिफ ही रहेगा। कहते हैं वकज़ालिका अफ़अलु तफ़ज़ीलिल मुजर्रदु अन मीनि तफ़ज़ीलियति, और इसी तरह है वो अफ़अलु तफ़ज़ील जो खाली हो मीन तफ़ज़ीलिया से। फ़इन्नहु बादा तनकीर मुनसरिफ़ुन बिल इत्तिफ़ाक़, इसलिए क्योंकि ये तनकीर के बाद मुनसरिफ है बिल इत्तिफाक, यानी इमाम सिब्वे इमाम अखफश दोनों का इसमें इत्तिफाक है। वलिज़ौफ़ी मानल वस्फियति फीही, और नीज इसलिए क्योंकि इसके अंदर वस्फियत का माना ज़ईफ है। हत्ता सारा अफ़अलु इस्मन, यहां तक ये अफ़अलु इसम बन गया। ये नहीं, ये इसी तरह हो गया जैसे इसम हो। तवज्जो है, एक होता है इसमें महज जो सिर्फ जात पर दलालत करे, एक होती है सिफत जो जात माल वसफ पे दलालत करती है। तवज्जो है, एक होता है इसमें महज जैसे रजुल और फरस, ये सिर्फ जात पे दलालत करते हैं, और एक होती है सिफत जो जात के साथ साथ सिफत पर भी दलालत करती है, जैसे जारिबुन। जारिबुन का क्या माना? कोई जात है जिसके अंदर जर्ब लगाने वाली सिफत है। मजरूबुन का क्या माना? कोई जात है जो मजरूब होने के साथ मौसूफ हो रही है। तो ये जो अफालु है, याद रखो ये अफालु इसमें तफजील में भी आता है, ये अफालु सिफत के लिए भी आता है, यानी सिफत मुशब्बा के लिए, उसको अफालु सिफती कहते हैं। इसी तरह ये अफालु ताकीद के लिए भी आता है, जैसे अजमाऊ भाई। और याद रखो ये अफालु वजन इसमें महज में भी आता है जिसमें वसफ नहीं होता, जैसे अफकल। अफकल भाई, हमजा है फा छोटा काफ और लाम, अफकल। अफकल लोगों की जमात को भी कहते हैं, और अफकल कप कपाहट को भी कहते हैं, किसी पर कपकपी तारी हो जाए, कांपने लगे सर्दी वगैरह की वजह से, तो इस कपकपी को भी क्या कहते हैं? अफकल। अब देखो ये इसम है, सिफत नहीं। जारिबुन और मजरूबुन तो जात माल सिफत पर दलालत कर रहे थे, जबकि अफकल क्या है? इसम। तो जब अफालू जो इसमें तफजील है, जब ये मीन के बगैर हो तो गोया ये सिफत है ही नहीं, इसम है गोया के। तो गोया अफालु तफजील बगैर मीन के सिफत है ही नहीं, बल्कि इसमें महज है, बल्कि इसमें महज है। फिर सुनो भाई, एक है सिफत और एक है इसमें महज। इसमें महज वो है जो सिर्फ जात पर दलालत करता है, उसमें वसफ मलहूज नहीं होता, जैसे रजुलुन और फरसुन। देखो रजुलुन सिर्फ जात पर दलालत कर रहा है, इसका माना है आदमी, साथ उसकी कोई सिफत मलहूज नहीं कि वो आलिम है या ताजिर है या बहादुर है या बुजदिल है, कोई सिफत मलहूज नहीं। रजुल सिर्फ जात पर दलालत कर रहा है। इसी तरह फरस, ये भी इसमें महज है, ये भी सिर्फ जात पर दलालत करता है, इसका माना है घोड़ा, इसमें कोई सिफत मलहूज नहीं कि अच्छा है या बुरा है, तेज है या सुस्त है, कोई वसफ इसके अंदर मलहूज नहीं। तो एक होता है इसमें महज जो सिर्फ जात पर दलालत करता है, जबकि सिफत के सीगे जात माल वसफ पर दलालत करते हैं, यानी वहां जात के साथ साथ कोई वसफ भी मलहूज होता है। जैसे देखो जारिबुन, जारिबुन ये जात माल वसफ पर दलालत कर रहा है, यानी कोई जात है, कोई जात है जो जारिब होने की सिफत के साथ मौसूफ हो रही है। इसी तरह मजरूब जो है ये सिफत का सीगा है, तो ये भी जात माल वसफ पर दलालत कर रहा है। मालूम हुआ कोई जात है जो मजरूब होने की सिफत के साथ मौसूफ हो रही है, यानी जिसकी पिटाई की गई है भाई। तो सिफत के सीगे जात माल वसफ पर दलालत करते हैं, जैसे इसमें फाइल है, इसमें मफूल है, सिफत मुशब्बा है, इसमें तफजील है, और मुबालगे के सीगे हैं। ये सारे क्या हैं?
सिफत के सीगे हैं। इसमें फाइल जैसे जारिबुन, फातिहुन, मानिउन, ये सब जात माल वसफ पर दलालत करते हैं। इसमें मफूल जैसे मजरूबुन, मफतूहुन, मुकरमुन, मुस्तखरजुन, ये सब जात माल वसफ पर दलालत करते हैं। सिफत मुशब्बा जैसे शरीफुन, हसनुन, अलीमुन, ये सिफत मुशब्बा हैं, ये सब जात माल वसफ पर दलालत करते हैं। इसी तरह इसमें तफजील है अजरबू, अजरबू, अफताहू, अमनाउ, ये भी क्या है, जात माल वसफ पर दलालत करते हैं। और इसी तरह मुबालगे के सीगे हैं जैसे जर्राबुन, जर्राबुन, सिद्दीकुन, ये सब क्या है, मुबालगे के सीगे हैं और ये जात माल वसफ पर दलालत करते हैं। तो सिफत के कौन कौन से सीगे हैं, इसमें फाइल है, इसमें मफूल है, सिफत मुशब्बा है, इसमें तफजील है और मुबालगे के सीगे हैं और ये सब जात माल वसफ पर दलालत करते हैं। और याद रखो इसमें तफजील के अलावा जो बाकी सिफत के सीगे हैं उनमें वसफियत का माना खूब जाहिर है। इसमें तफजील के अंदर वसफियत का माना इतना जाहिर नहीं, बाकी सब के अंदर वसफियत का माना खूब जाहिर है। हत्ता के इसमें तफजील के अलावा बाकी सब जो हैं वो इसमें जाहिर को भी रफा देते हैं, बाकी सब इसमें जाहिर को भी रफा देते हैं। भाई देखो जैसे फेल है, फेल हमेशा किसी चीज की सिफत होता है, इसका अपना अलग वजूद नहीं, कोई जात होगी कोई फेल करने वाली तो फिर फेल पाया जाएगा। तो देखो जैसे फेल जो है वो जमीर को भी रफा देता है और कभी इसमें जाहिर को भी रफा देता है। फेल के लिए हमेशा क्या चाहिए, फाइल या नाई फाइल, वो फाइल या नाई फाइल जमीर भी हो सकती है और इसमें जाहिर भी हो सकता है। तो जैसे फेल जो है वो सिफत होता है और वो इसमें जाहिर को रफा देता है, इसी तरह ये जो सिफत के सीगे हैं ये भी क्या करते हैं, इसमें जाहिर को रफा देते हैं, यानी कोई जात है जो इनके साथ मौसूफ होती है। तो ये सिफत के सीगे इसमें जाहिर को रफा देते हैं फेल की तरह, तो इनमें वसफियत का माना खूब जाहिर है। जबकि अफालु तफजील जो है उसमें वसफियत इतनी जाहिर नहीं, ये अफालु तफजील इसमें जाहिर में निहायत ही कलील अमल करता है, बहुत कम ऐसा होता है कि अफालु तफजील इसमें जाहिर के अंदर अमल करे और उसको रफा दे। इसके अमल की खास शराइत हैं भाई, जो आगे इसमें तफजील की बहस जहां आएगी वहां साहिब काफिया जिक्र फरमाते हैं। इसकी वो खास शर्तें हैं, वो शर्तें पूरी होंगी तो फिर उसके बाद ये इसमें जाहिर में अमल करेगा। तो मालूम हुआ अफालु तफजील का अमल इसमें जाहिर में निहायत नादिर है, और अन नादिर उकल मादूम, नादिर जो चीज हो यानी जो चीज निहायत कलील हो उसको मादूम शुमार किया जाता है कि मालूम हुआ वो चीज है ही नहीं। तो इसमें जाहिर में अफालु तफजील का अमल नादिर है और अन नादिर उकल मादूम, तो इसको ऐसे ही शुमार करेंगे गोया अफालु तफजील जो है वो इसमें जाहिर में अमल करता ही नहीं है भाई। ये सिर्फ उस जमीर में अमल करता है जो इसके अंदर छुपी हुई होती है। भाई अफालु तफजील सिफत का सीगा है, सिफत के सीगे के लिए फाइल चाहिए या नहीं चाहिए, फाइल या नाई फाइल तो जरूर चाहिए। तो ये जब इसमें जाहिर में अमल नहीं करता तो फाइल तो जरूर चाहिए भाई, और वो फाइल इसके अंदर छुपी हुई जमीर होती है, और जो जमीर इसके अंदर छुपी हुई है सिर्फ ये उसके अंदर जब अमल कर रहा है तो वो अमल भी ला अमल की तरह है, वो तो जाहिर ही नहीं, न जमीर जाहिर है ना उसमें अमल जाहिर है, अपने अंदर छुपी हुई यानी जमीर मुस्ततिर के अंदर अमल भी ला अमल ही की तरह है। तो बा अल्फाज दीगर यूं कहो कि बाकी सिफत के सीगे तो अमल करते हैं मगर अफालु तफजील गोया अमल करता ही नहीं है, गोया यह अमल करता ही नहीं, इसमें जाहिर में निहायत कलील है, तो गोया इसमें जाहिर में अमल करता ही नहीं, और जमीर में जो अमल करता है वो अमल भी किसकी तरह है, ला अमल की तरह है, क्योंकि उसका कोई असर जाहिर नहीं होता। तो गोया अफालु तफजील जो है वो अमल करता ही नहीं। अलबत्ता जब अफालु तफजील के साथ जब मीने तफजीलिया आ जाए तो फिर इसका वसफ होना जाहिर हो जाता है, वैसे तो इसका वसफ होना जाहिर नहीं, गोया ये अमल कर ही नहीं रहा, सिफत के सीगे तो अमल करते हैं
तो यह अमल कर ही नहीं रहा तो इसका वसफ होना जाहिर नहीं। लेकिन जब इसके साथ मीने तफजीलिया आ जाए, मीने तफजीलिया, तो फिर इसका वसफ होना जाहिर होता है। मीने तफजीलिया बतलाता है कि इसके जरिए एक चीज को दूसरी चीज पर फजीलत दी जा रही है। तो अफालु तफजील का वसफ होना किसके जरिए जाहिर होता है? मीने तफजीलिया के जरिए। इसके बगैर इसकी वसफियत जाहिर नहीं। यहां तक बात समझ में आ गई? तो जब अफालु तफजील मीने तफजीलिया के बगैर हो तो इसमें याद रखो वसफियत ज़ईफ होती है, उसमें वसफियत ज़ईफ होती है और खफी होती है, जाहिर नहीं, क्योंकि ये इसमें जाहिर को भी रफा नहीं देता और नीज इसके साथ मीन भी नहीं जो इसकी वसफियत को जाहिर करे। तवज्जो है, ये जो अफालु तफजील है बगैर मीन के इसकी वसफियत जाहिर नहीं। क्यों नहीं जाहिर? क्योंकि इसमें जाहिर को भी रफा नहीं देता और नीज इसके साथ मीने तफजीलिया भी नहीं है। मीने तफजीलिया होता तो वह हमें बतलाता यह किस लिए है, सिफत के लिए इस्तेमाल हो रहा है, एक चीज को दूसरी चीज पर फजीलत दी जा रही है। तो लिहाजा जब अफालु तफजील मीने तफजीलिया के बगैर हो तो उसके अंदर वसफियत ज़ईफ है। किस वजह से? दो वजह से। पहली वजह क्या? कि इसमें जाहिर को रफा नहीं देता, और दूसरी वजह क्या? कि इसके साथ मीने तफजीलिया भी नहीं है। तो ये फिर इस सूरत में मुशाबे हो जाता है उस अफालू के जो इसमें महज है। ये किसके साथ मुशाबे हो गया? उस अफालू के जो इसमें महज होता है जिसमें कोई वसफियत होती ही नहीं। जैसे अफकल, मैंने आपको बताया अफकल किसे कहते हैं? लोगों की जमात, और इसी तरह कपकपी भाई। तो ये अफालू इसमें तफजील जो मीने तफजीलिया के बगैर है, इसके अंदर वसफियत जाहिर नहीं, क्योंकि इसमें जाहिर को भी रफा नहीं देता और इसके साथ मीने तफजीलिया भी नहीं है। तो इसकी मुशाबहत किसके साथ हो गई? उस अफालू के साथ जो इसमें महज है, जैसे अफकल। जैसे वो अफकल जो है वो कोई अमल नहीं करता और ना उसके साथ मीन होता है, इसी तरह ये अफालु तफजील भी गोया कोई अमल नहीं कर रहा और ना ही इसके साथ मीने तफजीलिया है, तो ये उसके मुशाबे हो गया। तो लिहाजा इसकी वसफियत ज़ईफ हुई क्योंकि इसकी मुशाबहत आ गई अफालु इसमें महज के साथ। तो वो अफालु तफजील जो मीने तफजीलिया से खाली हो कबला आलमियत, जो मीने तफजीलिया से खाली हो, उसमें वसफियत इस कदर ज़ईफ है कि गोया वो सिफत है ही नहीं, बल्कि अफकलु की तरह एक इसमें महज है भाई। तो बाद तनकीर भी ये इमाम सीबवे के नजदीक मुनसरिफ होगा और बाद तनकीर भी इसकी वसफियत मोतबर नहीं। ये अफालु तफजील जो मीन के बगैर था, कबल आलमियत, इसकी वसफियत ज़ईफ है, ये तो इसमें महज की तरह ही है, लिहाजा बाद तनकीर भी इसके अंदर वसफियत का एतबार नहीं करते। हत्ता के इमाम सीबवे भी इसके अंदर वसफियत का एतबार नहीं करते और उनके नजदीक भी ये अफालु तफजील जो मीन तफजीलिया के बगैर है, जब इसको नकेरा बनाया जाए तो इसकी वसफियत मोतबर नहीं और ये मुनसरिफ है। बात समझ में आ गई? बात क्या चल रही है कि जब अफालु तफजील मीन के साथ हो और किसी का नाम रख दिया जाए तो फिर जब इसको नकेरा बनाएंगे ये फिर भी गैर मुनसरिफ रहेगा, क्योंकि मीने तफजीलिया के साथ है जिसके साथ इसका वसफ होना जाहिर हो रहा है कि इसमें किसी चीज की दूसरी चीज पर ज्यादती बयान की जा रही है। कौन बतला रहा है? मीन बतला रहा है। तो जब मीन साथ होगा तो इसके अंदर वसफियत का माना जाहिर होगा, जब मीन साथ नहीं होगा तो इसके अंदर वसफियत वाला माना जाहिर नहीं। लिहाजा जब मीन के साथ किसी का नाम रखो, असगरु मीन आमरीन, ये किसी का नाम रखा, तो जब आलमियत खत्म भी कर दोगे ये फिर भी क्या रहेगा? गैर मुनसरिफ। लेकिन जब मीन साथ नहीं होगा तो गोया कि यह इसम है, जैसे अफकल क्या है? इसम है। तो असगर भी गोया इसम है तो बस मसलन आलमियत से पहले यह गैर मुनसरिफ है, लेकिन किसके दर्जे में है? इसम के दर्जे में है। तो गोया ये इसम के दर्जे में था, इसके अंदर वसफियत जाहिर नहीं थी क्योंकि मीने तफजीलिया इसके साथ नहीं था, फिर आलम बना दिया और फिर जब आलमियत खत्म की अब इसके अंदर वसफियत नहीं है क्योंकि आलमियत से पहले ही इसके अंदर वसफियत ज़ईफ थी। बात समझ में आ गई? यह माना है, कहते हैं फ इन्नहु बादत तनकीर मुनसरिफ बिल इत्तिफाक, ये जो
अफ़अल तफ़ज़ील है जो मीने तफ़ज़ीलिया से खाली हो, यह तनकीर के बाद मुनसरिफ है बिल इत्तिफाक, यानी इमाम सीबे इमाम अकफ़श का इसमें इत्तिफाक है। लिज़ौफ़ी मानल वस्फ़ियती फ़ीही, इसलिए क्योंकि इसके अंदर वस्फ़ियत का माना ज़ईफ है। हत्ता सारा अफ़अल उस्मन, यहां तक ये अफ़अल जो है इसम बन गया, यानी इसमें महज रह गया सिफत नहीं। व इनका न माहू मीन, और अगर इसके साथ मीन हो फलायनसरिफ बिला खिलाफिन, तो फिर यह मुनसरिफ नहीं होगा बगैर किसी इख्तिलाफ के। जब मीन के साथ था तो अब इमाम सीबवे और इमाम अकफश दोनों का इतफाक है कि यह बादत तनकीर भी गैर मुनसरिफ ही रहेगा। ली जहूर इमान अल वसफियती फी ही, बवजह इसमें वसफियत के माना के जाहिर होने के भी सब अभी मीनी तफजीलियती बवजह मीने तफजीलिया के। यहां तक बात समझ में आ गई। और यह भी याद रखना, इन्होंने जो कहा ना कि वो अफ़अल तफजील जो मीन से खाली हो, किससे? मीन से खाली हो, तो आप यह ना समझें कि वो अलिफ लाम या इजाफत के साथ हो। नहीं नहीं, इसमें तफजील के इस्तेमाल के कितने तरीके मैंने अभी बतलाया, तीन, मीन, अलिफ लाम और इजाफत। यहां सिर्फ मीन वाले तरीके की बात हो रही है, अलिफ्लाम और इजाफत नहीं, क्योंकि आगे चलकर आपको बताएंगे, अभी एक दो सफे के बाद आपको बताएंगे कि ये जो अलिफ्लाम और इजाफत है इसकी वजह से अलमियत खत्म हो जाती है। भाई अलिफ्लाम और इजाफत की वजह से अलमियत खत्म हो जाती है। वजह यह कि अलम क्या होता है? मारिफा, तो वजह है मारिफा। और जब आप इस पर अलिफ्लाम ले आए तो अगर ये अभी भी मारिफा है तो ये तो तारीफ है मुआरफ लाजिम आएगा, एक लफ्ज पहले ही मारिफा है, फिर आप उसको अलिफ्लाम के जरिए क्या बनाना चाहते हैं? मारिफा बनाना चाहते हैं। या इसी तरह इजाफत भी तारीफ का फायदा देती है, तो जब आप अलम की इजाफत करते हैं तो वो नकिरा बन जाता है, वरना तो क्या लाजिम आएगा? तारीफुल मुआरफ, एक लफ्ज जो पहले ही मारिफा है आप उसको इजाफत के जरिए क्या बनाना चाह रहे हैं? मारिफा। अलिफ्लाम किस चीज का फायदा देता है? तारीफ का फायदा देता है। इजाफत भी किस चीज का फायदा देती है? तारीफ का फायदा देती है। तो जब भी आप अलम की इजाफत करते हैं तो तारीफ उससे खत्म हो जाती है, इसलिए क्योंकि अगर तारीफ अभी भी बाकी है तो फिर तारीफुल मुआरफ, एक लफ्ज जो पहले ही मारिफा है उसको मारिफा बनाना लाजिम आएगा, और यह तो सही नहीं। बात समझ में आ गई। तो यहां पर जो इन्होंने कहा ना कि वो अफ़अल तफ़ज़ील जो मीन से खाली हो, किससे? तो जो मीन से खाली हो तो आपके जहन में आएगा शायद वो वाला अफ़अलू है जो अलिफ लाम के साथ इस्तेमाल हो रहा होगा या इजाफत के साथ नहीं नहीं, उनकी बात नहीं चल रही, क्योंकि वो अलिफ लाम और इजाफत ये तो अलमियत के खिलाफ हैं, ये तो अलमियत को खत्म कर देते हैं। ये वही अफ़अलू है जो मीन के साथ इस्तेमाल हो, लेकिन आप जानते हैं कभी मीन को इबारत से हज़फ कर लेते हैं अगरचे मुराद होता है, मुकद्दर होता है, जैसे अल्लाहु अकबर। अब अल्लाहु अकबर आपने इल्म सीगा में पढ़ा है, दरअसल ये क्या है? अल्लाहु अकबर मिन कुल्ली शैइन, तो मिन कुल्ली शैइन यहां महजूफ है, तो ये जो अल्लाहु अकबर में अकबर आया ये कौन सा है? अफ़अल तफ़ज़ील है और मीन तफ़ज़ीलिया के बगैर है, और मीन तफ़ज़ीलिया यहां मुकद्दर है। तो कभी मीन तफजीलिया लफ्जों में होता है और कभी मुकद्दर होता है। जब मीन तफजीलिया लफ्जों में हो तो उस सूरत में आलमियत खत्म कर देंगे, फिर भी वो क्या रहेगा? गैर मुनसरिफ। और जब मीन तफजीलिया मुकद्दर हो तो जब हम उसे आलमियत खत्म करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? मुनसरिफ बन जाएगा। बात समझ में आ गई। तो कौन से अफ़अल तफजील की बात हो रही है? जो इस्तेमाल तो मीन ही के साथ है लेकिन मीन मुकद्दर है, जिक्र नहीं। तो यहां सिर्फ उस अफ़अल तफ़ज़ील की बात हो रही है जो मीन के साथ मुस्तामल हो। और इसमें मैंने आपको बतलाया फिर दो सूरतें हैं, कभी मीन तफ़ज़ीलिया लफ्जों में मज़कूर होगा और कभी मुकद्दर होगा मज़कूर नहीं होगा। तो किस अफ़अल की बात यहां हो रही है? जो मीन के साथ हो, बाकी अलिफ़लाम और इजाफत वो तो आलमियत के मुनाफी हैं, उनसे तो आलमियत खत्म हो जाती है। तो सिर्फ उस अफ़अल तफ़ज़ील की बात हो रही है जो मीन के साथ हो। हां, उसमें फिर कभी मीन लफ्जों में साथ होता है और कभी मुकद्दर होता है, लफ्जों में जिक्र नहीं होता। जैसे अल्लाहु अकबर, देखो अल्लाहु अकबर, ये अकबर इसमें तफ़ज़ील है और इसके साथ ना अलिफ लाम है, न इजाफत है, न मीन है, फिर तो ये तीन तरीकों में से किसी के साथ भी इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो उलमा क्या जवाब देते हैं कि ये मीन के साथ है और मीन यहां मुकद्दर है।
तो हासिल यह हुआ कि यहां उस अफ़ालु तफ़ज़ील की बात हो रही है जो मीन के साथ मुस्तामल हो, और इसमें फिर दो सूरतें हैं, कभी मीन तफ़ज़ीलिया लफ्जों में होगा और कभी मुकद्दर होगा मज़कूर नहीं होगा। तो अगर मीन लफ्जों में जिक्र ना हो, यानी वह अफ़ालु तफ़ज़ील मीन तफ़ज़ीलिया से खाली हो, तो क़ब्ल अल आलमियत इसमें वसफियत का माना जाहिर नहीं बल्कि खफी है और ज़ईफ है, लिहाजा बादत तनकीर इमाम सीबवै के नजदीक भी इसकी वसफियत मोतबर नहीं। वो अफालु जो मीन के बगैर है क़ब्ल अल आलमियत भी उसकी वसफियत जाहिर नहीं, लिहाजा बादत तनकीर इमाम सीबवै के नजदीक भी इसकी वसफियत मोतबर नहीं, और यह बिल इतफाक मुनसरिफ है, यानी इमाम सीबवै के नजदीक भी और इमाम अखफश के नजदीक भी। जबकि वह अफालु तफजील जिसके साथ मीन तफजीलिया हो, तवज्जो है, वह अफालु तफजील जिसके साथ मीन तफजीलिया हो उसमें क़ब्ल अल आलमियत वसफियत जाहिर है, जबकि नकेरा बनाने के बाद भी इसके साथ मीन तफजीलिया मौजूद है। मसलन किसी का नाम असगरु मिन आमरीन रख दिया, अब असगरु मिन आमरीन क़ब्ल अल आलमियत भी इसके अंदर वसफियत जाहिर है क्योंकि इस असगरु के साथ मीन तफजीलिया इस्तेमाल हो रहा है। फिर इसको आलम बनाया, वसफियत चली गई, फिर दोबारा इसको नकेरा बनाया, तो अब भी इसके अंदर वसफियत मोतबर है क्योंकि इसके साथ क्या मौजूद है, मीन तफजीलिया मौजूद है, और यह मीन तफजीलिया आलमियत खत्म होने के बाद अभी भी मौजूद है। यह तकाजा कर रहा है कि इसके अंदर किसका एतबार करो, वसफियत का एतबार करना पड़ेगा, क्योंकि मीन किस लिए आता है, फजीलत देने के लिए, एक चीज को दूसरी चीज पर, मीन तफजीलिया बतलाता है कि एक चीज को दूसरी चीज पर फजीलत दी जा रही है। तो वो अफालु जो मीन तफजीलिया के साथ है जब इसको नकेरा बना दिया जाए तो अब भी इसके साथ वो मीन मौजूद है, वो मीन तकाजा कर रहा है कि इसमें अभी भी वसफियत का एतबार किया जाए। हत्ता कि इमाम अखफश जो क्या फरमाते थे कि आलमियत खत्म कर दोगे तो वो इसम क्या बन जाएगा, नकेरा, वो भी इसके अंदर फरमाते हैं कि यहां चूंकि मीन मौजूद है अफालू के साथ लिहाजा बादत तनकीर वो इस मीन की वजह से वो इसमें वसफियत का एतबार करते हैं, और उनके नजदीक भी ये जो असगरु मिन आमरीन जैसा लफ्ज होगा बादत तनकीर ये गैर मुनसरिफ ही रहेगा उनके नजदीक भी। बात समझ में आ गई। तो मालूम हुआ वो अफालु तफजील जो मीन के साथ हो वो इमाम सीबवै और इमाम अखफश दोनों के नजदीक बादत तनकीर गैर मुनसरिफ होगा। बात अच्छी तरह समझ में आ गई। तो हासिले कलाम क्या हुआ कि अहमरा जैसे अल्फाज, इससे मुराद वो अल्फाज हैं जो क़ब्ल अल आलमियत गैर मुनसरिफ थे और जिसमें एक सबब वसफियत होना चाहिए ताकि जब आलमियत आए तो वह वसफियत चली जाए, फिर जब आलमियत खत्म होगी तो बाद में भी वह वसफियत मोतबर है इमाम सीबवै के नजदीक, जबकि इमाम अखफश के नजदीक वह मोतबर नहीं। लेकिन क़ब्ल अल आलमियत जो है वसफियत उसके अंदर जाहिर होनी चाहिए, लिहाजा अफ़अलु ताकीद, ताकीद वाला अफ़अलु यानी अजमाऊ भी उससे निकल गया क्योंकि क़ब्ल अल आलमियत उसमें वसफियत जाहिर नहीं है बल्कि वह तो ताकीद के लिए है, और इसी तरह वह अफ़अलु इसमें तफजील भी निकल गया जिसके साथ मीन नहीं था आलमियत से पहले, जिसके साथ मीन नहीं था क्योंकि उसके अंदर भी वसफियत जाहिर नहीं बल्कि वह तो इसम ही की तरह था। बात समझ में आ गए, इसम की तरह था। चलिए बस, बेहदा हुआ अल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।